अष्टांग हृदय में भागवत जी कहते हैं कि जिंदगी भर वात पित्त कफ को संतुलित रखना ही सबसे बड़ी कला है और कौशल है। सारी जिंदगी आपको एक ही काम करना है प्रयास पूर्वक कि हमारा वात, हमारा पित्त, हमारा कफ हमेशा से सुरक्षित रहे, नियमित रहे, संतुलित रहे। जितना चाहिए उतना वात रहे, जितना चाहिए उतना पित्त रहे, जितना चाहिए उतना कफ। तो जितना चाहिए उतना वात पित्त कफ हमारा रहे, तो इसके लिए क्या करना है? वो 7000 सूत्र है, उसमें से पहला सूत्र बहुत छोटा सा सूत्र है, आप लिख लीजिए। कभी भी खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना, पहला सूत्र है। कभी भी खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना, इतना सा ही सूत्र है। कभी भी जीवन में खाना खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना। हम पानी क्यों ना पिए खाने के बाद, क्या कारण है? बात ऐसी है कि हमारा जो शरीर है, ये शरीर का पूरा केंद्र है हमारा पेट। ये पूरा शरीर चलता है पेट की ताकत से, और पेट चलता है भोजन की ताकत से। जो कुछ भी हम खाते हैं वही हमारे पेट की ताकत है। अब हम खाते हैं तो पेट में सब कुछ जाता है। पेट में एक छोटा सा स्थान होता है, उसको हम हिंदी में कहते हैं आमाशय, और उसी को अंग्रेजी में कहते हैं एपिगैस्ट्रियम। आमाशय, जठर, एपिगैस्ट्रियम, ये एक ही स्थान के तीन नाम, एक अंग्रेजी में है, एक संस्कृत में है, एक हिंदी में। ये स्थान हमारे शरीर का सबसे महत्व का स्थान है, एपिगैस्ट्रियम या आमाशय या जठर, क्योंकि सारा खाना इसी में आता है। ये थैली की तरह से होता है, बहुत छोटा स्थान है, इसमें अधिक से अधिक 350 ग्राम खाना आ सकता है, उससे ज्यादा नहीं आ सकता बड़े व्यक्ति। तो हम कुछ भी खाते हैं सब कुछ ये आमाशय में आ जाता है। अब आमाशय में क्या होता है, खाना जैसे ही पहुंचता है, ये भगवान की व्यवस्था है जो शरीर में है, तुरंत इसमें आग जल जाती, अग्नि। आमाशय में अग्नि होती है, उसी को कहते हैं जठर अग्नि, मिला के बोलते हैं जठ प्राग्नि, जठ प्राग्नि। जैसे ही आपने खाना खाया तुरंत आग जल गई, ये ऑटोमेटिक है। रोटी का पहला टुकड़ा आपने मुंह में डाला, इधर आग जल गई, जठर अग्नि। ये अग्नि तब तक जलती है जब तक खाना पचता है, डाइजेस्ट। आप खाना खा रहे हैं, अग्नि जल गई, अब अग्नि खाने को पचाती है, डाइजेस्ट कराती है। घटाघट पानी पी लिया और खूब ठंडा पानी पी लिया, और कई लोग तो बोतल पे बोतल उतार दिया। अब होने वाला एक ही काम है, जो आग जल रही थी वो बुझ गई। आग अगर बुझ गई तो खाने के पचने की जो क्रिया है वो रुक गई। अब हमारे पेट में दो ही क्रियाएं होती है खाने के पचने में, एक क्रिया है जिसको हम कहते हैं डाइजेशन, दूसरी है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का मतलब है सड़ना, और डाइजेशन का माने है पचना। अगर आग जलेगी तो खाना पचेगा, ये एक है। दूसरी तरफ क्या होगा, आग नहीं जलेगी, आपने घटाघट पानी पी लिया तो वही खाना सड़ेगा, और सड़ने के बाद उसमें से जहर बनेंगे। तो सबसे पहला जहर जो बनता है खाना सड़ने के बाद, उसका नाम है यूरिक एसिड। कई बार आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, आप कहते हैं मुझे ये तकलीफ, मुझे वो तकलीफ, तो डॉक्टर तुरंत डायग्नोसिस करके कहता है आपको यूरिक एसिड बन रहा है। और एक उदाहरण देता हूं, जब खाना सड़ता है तो यूरिक एसिड जैसा ही और एक विष बनता है शरीर में, उसी को कहते हैं LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, माने खराब कोलेस्ट्रॉल। और इससे भी ज्यादा खराब और एक विष है, वो है VLDL, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये भी कोलेस्ट्रॉल जैसा ही विष है। अगर VLDL बहुत बढ़ गया तो भगवान भी नहीं बचा सकता, कितनी खराब स्थिति है शरीर। और एक उदाहरण देता, खाना जब सड़ता है पेट में तो इसी में से कुछ और भी जहर बनते हैं, उन जहर के कुछ नाम है, अंग्रेजी में हम कहते हैं ट्राइग्लिसराइड्स। डॉक्टर आपको डायग्नोस करके कहता है कि आपका ट्राइग्लिसराइड्स बहुत बढ़े हुए हैं, समझ लीजिए विष निर्माण हो रहा है शरीर में।
तो कोई यूरिक एसिड के नाम से कहे, कोई कोलेस्ट्रॉल के नाम से कहे, कोई एलडीएल के नाम से, वीएलडीएल के नाम से कहे, या ट्राइग्लिसराइड, समझ लीजिए ये सब विष हैं। और ऐसे विष 103 हैं, मैंने आपको 4-5 नाम लिए। ये सारे विष तब बनते हैं जब खाना नहीं पचता, खाना सड़ता है। मतलब समझ लीजिए, किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो एक ही मिनट में ध्यान आना चाहिए खाना पच नहीं रहा है। कोई कहता है मेरा ट्राइग्लिसराइड्स बहुत बढ़े हुए हैं, तो एक ही मिनट में डायग्नोस कर लीजिए आपके खाना पच नहीं रहा है। कोई कहता है यूरिक एसिड बढ़ा हुआ, तो एक ही मिनट आपको लगना चाहिए ये समझने में खाना पच नहीं रहा है। क्योंकि खाने के पचने पर इनमें से कुछ नहीं बनता। खाने के पचने पर बनता है मांस, मज्जा, रक्त, वीर्य, मल, मूत्र, अस्थि, मेद, ये सब पचने पर बनता है। नहीं पचने पर क्या बनता है? यूरिक एसिड, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, वीएलडीएल, ये सब बनते हैं। और यही आपको रोगों का कारण बना देते हैं, माने आपके शरीर को रोगों का घर बना। तो महत्व की बात है खाना खाना नहीं, महत्व की बात है खाने को पचाना। और खाने को पचाने के लिए महत्व की चीज है अग्नि। तो अग्नि जलेगी तो खाना पचेगा। इसका मतलब खाना खाते ही पानी नहीं पिएंगे तभी अग्नि जलेगी, तभी खाना पचेगा, तभी उसमें से मांस, मज्जा, रक्त, वीर्य, मलमूत्र बनेगा। तो ये सूत्र दिया गया, खाना खाते ही तुरंत पानी नहीं पीना। कितनी देर तक? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। यही सवाल आना ही चाहिए आपके मन में कि ठीक है, बात तो अभी समझ में आ गई कि खाने के तुरंत बाद तो पानी नहीं पीना, लेकिन कितनी देर तक? जो कुछ आपने ठोस खाया और द्रव खाया, ये दोनों एक दूसरे में मिक्स होता है, सॉलिड और लिक्विड। अब सॉलिड और लिक्विड एक दूसरे में मिक्स होता है तो खिचड़ी बनता है, उसको पेस्ट कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में कहे तो खिचड़ी। तो आपके शरीर में खाया हुआ सॉलिड और लिक्विड दोनों एक दूसरे में मिक्स होता, पेस्ट बनता है। ये पेस्ट बनने की अवस्था 1 घंटे 30 मिनट तक रहती है शरीर में, और 1 घंटे 30 मिनट तक ही अग्नि भी जलती है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आपके खाने का रस बनना शुरू होता है। अब आप जानते हैं कि जब भी किसी चीज का रस बनेगा तभी उसमें पानी की जरूरत आएगी। आपको अगर मैं ये कहूं कि आम का रस बनाइए, तो आम का छिलका उतारेंगे, फिर उसका पल्प निकालेंगे, गूदा निकालेंगे, फिर पानी मिलाएंगे, तभी रस तैयार होगा। वो पानी चाहे दूध के रूप में मिलाए या सीधे पानी मिलाए। तो जब 1.5 घंटे के बाद ही रस बनना है तो आप खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद ही पानी पीना। कुछ लोग ऐसे हैं दुनिया में जिनको खाना खाने के 1 घंटे के बाद ही रस बनने लगता है, कुछ ही लोग हैं, बाकी सबको नहीं बनता। जो लोगों को 1 घंटे में बनने लगता है वो लोग हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, खेत में हल चलाते हैं, फावड़ा चलाते हैं, पत्थर तोड़ते हैं, सड़क पर रिक्शा खींच के ले जाते हैं, हाथ गाड़ी लेके जाते हैं, जो बहुत मेहनती लोग हैं उनको पेट में खाना खाने के 1 घंटे में ही रस बनने लगता है। तो वो लोग जो ज्यादा मेहनत करते हैं वो खाने के 1 घंटे बाद ही पानी पी सकते हैं। लेकिन जो आपके जैसे मेरे जैसे लोग हैं, कम मेहनती हैं, हमको 1.5 घंटे बाद ही पानी पीना अच्छा है। तो क्लियर हो गया, खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है, 1.5 घंटे के बाद पानी पीना। और 1.5 घंटे के बाद कितना पानी पीना है? जितनी इच्छा करे उतना, 1 गिलास 2 गिलास 3 गिलास 5 गिलास, आपकी जितनी कैपेसिटी है पीने की, जितनी प्यास लगी है उतना आप पी सकते हैं। बहुत अच्छा। अब ये तीसरा सवाल आ गया, तीसरा सवाल ये आ गया कि खाने के पहले पी सकते हैं क्या? खाने के पहले हम पानी पी सकते हैं, जितना चाहे उतना पी सकते हैं, लेकिन समय का उसमें ध्यान रखना है। खाना खाने से 48 मिनट पहले, 48 मिनट पहले। आप बोलेंगे ये 48 मिनट का क्या कैलकुलेशन है, 1 घंटा क्यों नहीं कहा मैंने, 48 मिनट क्यों कहा, 50 मिनट भी कह सकता था। बात ऐसी है कि जब आप पानी पीना शुरू करते हैं तो पानी मुंह में जाता है और बाद में सभी अंगों में जाता है, मांस में भी जाता है, मज्जा में भी, सब जगह जाता है, रक्त में भी जाता है। और अंत में पानी जो सरप्लस होता है, माने जरूरत से ज्यादा होता है शरीर को, वो मूत्र पिंड में आके इकट्ठा हो जाता है। बाद में आप यूं मूत्र के साथ उसको बाहर निकाल देते हैं। तो मुंह में पानी शुरू किया, मूत्र पिंड तक आने में उसको 48 मिनट ही लगता है।
तो आयुर्वेद में ये कहा गया कि जब ये 48 मिनट पूरा हो जाए और वो मूत्रपिंड में स्थिर हो जाए तो पेट तो खाली हो गया ना, तभी खाना खाना। माना खाने के पहले 48 मिनट में आप पानी पी सकते हैं, जितना चाहे उतना पी सकते हैं, एक गिलास, दो गिलास, तीन गिलास, क्वांटिटी आपकी कैपेसिटी के ऊपर है। तो खाने के पहले पानी पीना है तो 48 मिनट में, खाने के बाद पीना है तो 1.5 घंटे में। अब आखिरी प्रश्न आएगा खाने के बीच में। बीच में पीने के लिए कहा गया है कि कोई मजबूरी है, कोई इमरजेंसी है तो पी सकते हैं 1 या 2 घूंट। वो इमरजेंसी मजबूरी क्या हो सकती है, मान लो खाना खाते खाते गले में फंस गया, अब मजबूरी आ गई, तो आप पानी पी सकते हैं 1 सिप या 2 सिप, ठीक है। और एक मजबूरी आ सकती है, खाना खाते खाते खांसी आ गई तो फिर समस्या आ गई, तो भी आप 1-2 सिप पी सकते हैं। और एक तीसरी ऐसी ही एक मजबूरी है, वो मजबूरी आयुर्वेद में ये कही गई है कि जब आप 2 अन्न का खाना खाएं तो बीच में जरूर पानी पीना है। 2 अन्न का खाना मतलब रोटी खा रहे हैं गेहूं की, और चावल भी खाना है आपको, चावल 1 अन्न है, गेहूं 2 अन्न है, मक्के की रोटी खा रहे हैं और उसके साथ चावल खा रहे हैं, मक्की 1 अन्न है, चावल 2 अन्न, बाजरे की रोटी खा रहे हैं और चावल खा रहे हैं, बाजरी 1 अन्न है, चावल 2 अन्न, ज्वार की रोटी खा रहे हैं तो ज्वार 1 अन्न है, चावल 2 अन्न। तो जब भी 2 अन्न का खाना आप खाते हैं तो 1 अन्न खाने के बाद दूसरा खाने से पहले थोड़ा पानी जरूर पीना, अनिवार्य। हाँ, अनिवार्य है। नहीं पिए तो नुकसान कुछ नहीं होगा, लेकिन पिएंगे तो फायदा बहुत होगा। खाने के बाद पानी कैसे पीना, घटाघट पीना जाए? मैं बताऊंगा, एक एक करके बताऊंगा। हम जब पानी पिएंगे तो 2 अन्न का खाना जब हम खा रहे हैं, गेहूं खा लिया, रोटी, अब हमको चावल शुरू करना है, तो रोटी खाने के बाद चावल शुरू करने से पहले 1-2 सिप पानी पी लीजिए। क्यों पी लें? आपके पेट में एंजाइम्स जो है ना पचाने के लिए, वो अलग अलग है। गेहूं को पचाने के लिए अलग एंजाइम्स हैं, चावल वाले अलग हैं, मक्की के अलग हैं, बाजरी के अलग हैं, ज्वार के अलग हैं, सभी अन्न को पचाने के लिए एंजाइम्स अलग हैं। तो जब आप रोटी खा रहे थे गेहूं की, तो रोटी वाले एंजाइम सक्रिय हैं, वो एक्टिव है, रोटी को पचाने के लिए सारी व्यवस्था कर रहे हैं। अब अचानक से चावल खाना शुरू किया तो चावल वाले एंजाइम्स को सक्रिय करना पड़ेगा और रोटी वाले को थोड़ा सा डाउन करना पड़ेगा, तो वो पानी से ही होता है। इसलिए 1-2 घूंट पानी पी लीजिए तो फिर चावल वाले एंजाइम सक्रिय हो जाएंगे चावल खाने के समय। ऐसे ही चावल के बाद और कोई तीसरा अन्न खा रहे हैं तो फिर बीच में थोड़ा सा पानी पी लीजिए। ये पानी बीच में जो पीना है वो 1-2 सिप से ज्यादा नहीं है। अब आखिरी बात जो इस एक नियम से जुड़ी हुई है वो ये कि ठीक है, हमको समझ में आ गया खाने के 1.5 घंटे बाद पानी पियेंगे, लेकिन खाने के तुरंत बाद कुछ और पी सकते हैं क्या, पानी को छोड़कर? तो उसके लिए आयुर्वेद में कहा गया कि आप खाने के तुरंत बाद अगर पीना चाहें तो जूस पी सकते हैं, फल का रस, कोई भी फल का रस पी सकते हैं। दूसरा कहा गया कि खाने के तुरंत बाद आप चाहें तो लस्सी पी सकते हैं, और तीसरा कहा गया कि खाने के तुरंत बाद आप चाहें तो दूध पी सकते हैं तुरंत। हाँ, उसका भी टाइम बताने जा रहा हूं। तुरंत खाने के बाद अगर पीना चाहते हैं तो 1 तो जूस पी सकते हैं, दूसरी लस्सी पी सकते हैं, तीसरा दूध पी सकते हैं। अब बहुत अच्छा सवाल पीछे से आ गया, इसका भी कोई टाइम है? हाँ है, आयुर्वेद में बिना टाइम के कुछ नहीं, हर चीज के खाने का टाइम। इसमें जो ध्यान रखने की बात है वो ये कि जब भी जूस पीना है खाने के तुरंत बाद वो सवेरे ही पी सकते हैं, नाश्ते के बाद, ब्रेकफास्ट के बाद जब भी जूस पीना हो तो सवेरे ही पी सकते हैं। आप पूछेंगे क्यों, बात सीधी सी ये है कि फल को या जूस को पचाने वाले जो एंजाइम्स हैं हमारे पेट में वो सवेरे ही सबसे ज्यादा होते हैं। तो सुबह के समय अगर आप जूस पी रहे हैं या फल खा रहे हैं तो जूस का एक एक बूंद आपके शरीर में डाइजेस्ट हो जाएगा, और वही जूस रात को पियेंगे तो वो सब फ्लश आउट होगा यूरिन के साथ, उसका कुछ भी उपयोग नहीं आएगा। तो सुबह सुबह जूस पीना सबसे अच्छा, हर एक बूंद उसकी पचे हमारे शरीर को। दोपहर के समय लस्सी पीना ही सबसे अच्छा, क्योंकि दोपहर के समय हमारे पेट में जो एंजाइम्स होते हैं वो दही को और लस्सी को डाइजेस्ट कराने वाले हैं दोपहर को। तो
तो दही या दही की कोई भी चीज खाना दोपहर को ही सबसे अच्छा। दूध पिएंगे रात को, लस्सी पिएंगे दोपहर को, जूस पिएंगे सवेरे। दूध का सबसे अच्छा समय है सूर्यास्त के बाद। जब तक सूरज रहता है दूध को पचाने वाले एंजाइम्स पेट में नहीं आते। जैसे ही सूरज डूब जाता है दूध को पचाने वाले एंजाइम्स पेट में जबरदस्त होते हैं।